हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनस्वी एग्जाम सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, अभी तक हम मीनिंग ऑफ लेसन प्लान, इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लान एंड स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान को डिस्कस कर चुके हैं और मैथमेटिक्स में लेसन प्लान कैसे बनाते हैं ये भी हम देख चुके हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो सोशल साइंस के स्टूडेंट है, जो सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थी है, वो लेसन प्लान कैसे बना सकते हैं। ये बीएड का लेसन प्लान है। जैसा कि आपको पता है, लेसन प्लान बनाते समय सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा जाता है। तो इसमें इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, छात्र, अध्यापक, अनुक्रमांक, विषय, उपविषय, दिनांक, कक्षा, समय आदि। इसके बाद फिर सहायक सामग्री लिखा हुआ है कि कौन कौन से इंस्ट्रक्शनल एड्स का यूज किया जाएगा, चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर या कोई मॉडल या चार्ट जिसका भी यूज किया जाता है वो इसमें लिखते हैं। नेक्स्ट उद्देश्य लिखे जाते हैं कि ये जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है इससे इसके पढ़ाने के क्या उद्देश्य हैं। टीचर के द्वारा पूर्व ज्ञान अनुमान लगाया जाता है, प्रीवियस नॉलेज अज्यूम की जाती है कि स्टूडेंट्स को कृषि के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है और स्टूडेंट से कृषि के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टीचर के द्वारा पूर्व ज्ञान परीक्षण या प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट किया जाता है, जिसके द्वारा कि टीचर जिसके लिए टीचर कुछ क्वेश्चन अज्यूम करके चलता है और कि ये भी मान के चलता है कि स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स क्या होगा, कि हमारे देश का नाम क्या है, तो स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स करेंगे भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि भारत की अधिक जनसंख्या कहाँ पर रहती है, तो स्टूडेंट्स आंसर देंगे गाँव में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, गांव के लोगों के कौन कौन से व्यवसाय होते हैं, तो स्टूडेंट्स का आंसर होगा खेती करना और पशु पालना। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट पूछा जाएगा, टीचर ये मान के चलता है कि इसका कोई आंसर नहीं दिया जाएगा स्टूडेंट्स की तरफ से, तो जैसे कि कृषि कितने प्रकार की होती है, तो कृषि के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज स्टूडेंट्स को है लेकिन उनको डिटेल में नॉलेज नहीं है, तो वो इसका कोई आंसर नहीं देंगे। नेक्स्ट टीचर के द्वारा अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक किया जाता है, उपविषय की घोषणा की जाती है। उत्तर नहीं मिलने पर छात्र अध्यापिका उपविषय की घोषणा करेगी कि आज हम कृषि तथा उसके प्रकार के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके बाद टीचर के द्वारा अपना टॉपिक प्रेजेंट किया जाता है। इसके लिए जो लेसन प्लान बनाया जाता है उसमें पेज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके फिर एक जो कॉलम है उसमें विषय वस्तु लिखी जाती है, सेकंड कॉलम में छात्र अध्यापक क्रियाएं, थर्ड कॉलम में छात्र क्रियाएं और फोर्थ कॉलम में शामपट्ट कार्य या ब्लैक बोर्ड वर्क लिखा जाता है। जो भी इसमें जैसे सबसे पहले विषय वस्तु में लिख दिया कृषि का अर्थ, अब टीचर के द्वारा जो बताया जाएगा वो छात्र अध्यापक क्रियाएं उसमें लिख दिया। इसके बाद उस टाइम पे स्टूडेंट्स क्या कर रहे होंगे कि या तो वो लिख रहे होंगे या फिर कॉपी में नोट कर रहे होंगे, वो फिर छात्र क्रियाओं में लिख दिया। और साथ में टीचर्स सब कुछ तो ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिखते हैं, मेन मेन पॉइंट है वो ही ब्लैक बोर्ड पे लिखे जाते हैं, तो जो भी पॉइंट ब्लैक बोर्ड पे लिखे जाएंगे वो ब्लैक बोर्ड वर्क में लिखे जाते हैं। ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए मार्केट से ये ब्लैक चार्ट आता है जिसको कि काट कर अपनी फाइल में चिपका लिया जाता है, जिससे कि फाइल देखने में भी थोड़ी सुंदर लगती है। नेक्स्ट जो बताएंगे विषय वस्तु वो है कृषि को प्रभावित करने वाले कारक। टीचर ने जो कुछ भी बताया, कृषि को प्रभावित करने वाले कई कारक है जैसे मृदा, जलवायु, धरातल, सिंचाई, सरकार की नीति, तो ये सब टीचर एक्टिविटीज़ में आ गया। स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनकर पुस्तिका उत्तर वो कॉपी में लिखते हैं और ब्लैक बोर्ड पर जो लिखते हैं वो ब्लैक बोर्ड वर्क में लिख दिया। इसी तरीके से ये किया जाता है। इसके बाद विभागीय पुनरावृत्ति की जाती है कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो स्टूडेंट्स को समझ आ भी रहा है या नहीं, इससे ये पता चल जाता है और इससे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट भी पढ़ाई में बना रहता है। जो अभी तक पढ़ाया है उसमें से ही कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि कृषि से आप क्या समझते हैं, कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए, कृषि की क्या विशेषता होती है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद फिर दोबारा से टीचर के द्वारा
अपना टॉपिक प्रेजेंट किया जाता है। पहले कृषि क्या होती है इसके बारे में बताया, अब कृषि के प्रकार बताए जा रहे हैं। तो इसमें छात्र अध्यापक क्रियाएं जो टीचर एक्सप्लेन कर रहा है वो सब लिखा जाएगा कि कृषि चार प्रकार की होती है, आत्म निर्वाह कृषि, स्थानांतरित कृषि, रोपण कृषि, गहन कृषि। उस टाइम पे स्टूडेंट सुन रहे होंगे और कॉपी में लिख रहे होंगे, वो सब लिखा जाता है और ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाएगा कि कृषि चार प्रकार की होती है। नेक्स्ट टीचर के द्वारा बताया जाएगा कि आत्मनिर्वाह कृषि क्या होती है। उसके बाद स्थानांतरित कृषि के बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट टीचर बताएगा कि रोपण कृषि क्या होती है के बारे में लिखने के बाद निष्कर्ष कथन लिखा जाता है कि छात्रों आज हमने कृषि के विषय में चर्चा की, इसके कारक विशेषताएं व इसके प्रकार के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट अंतिम पुनरावृत्ति के लिए कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कृषि कितने प्रकार की होती है, आत्मनिर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं, कृषि में जुताई के अतिरिक्त और कौन कौन सी क्रियाएं आती है, रोपण कृषि किसे कहते हैं, इसमें कौन कौन सी फसलें आती है, अधिक दबाव वाले क्षेत्रों में कौन सी कृषि की जाती है। इसके बाद होमवर्क दिया जाता है या गृह कार्य करने के लिए दिया जाता है बच्चों को कि भारत में कौन कौन सी प्रमुख फसलें उगाई जाती है, खरीफ और रबी की फसलों का वर्णन करो। अब टीचर के द्वारा जो भी फ्लैश कार्ड या चार्ट यूज किया जाएगा क्लास में उसका ही एक छोटा सा रूप बनाकर अपनी फाइल में लगा दिया जाता है। जैसे कि इस स्टूडेंट ने लगाया हुआ है कि उसने कृषि के बारे में पढ़ाया है, तो वो स्टूडेंट्स को कृषि से रिलेटेड पिक्चर भी अपनी क्लास में दिखाएगा, तो उसने फाइल को अच्छा बनाने के लिए ये भी इसमें लगाया हुआ है साथ में। तो आप भी इस तरीके से जो भी क्लास में पढ़ाते समय यूज करेंगे चार्ट मॉडल जो भी, तो वो आपको अपनी फाइल में लगाना भी है। चार्ट का यूज करेंगे तो उसका छोटा रूप फ्लैश कार्ड बनाकर फाइल में लगा सकते हैं, और मॉडल का यूज करेंगे तो मॉडल के बारे में आप लिख सकते हैं कि मैंने इस लेसन प्लान को बढ़ाते समय मॉडल का यूज किया। इस वीडियो में हमने देखा कि सोशल साइंस के टॉपिक कृषि पर लेसन प्लान कैसे बनाया जा सकता है। आगे हम कुछ और भी लेसन प्लान डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियोज आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।